संगम नगरी प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का साइबर क्राइम थाना ने खुलासा कर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गिरफ्तार करने के बाद 567 छात्रों के आवेदन बरामद किए गए, वहीं लैपटॉप, 7 मोबाइल, 1 टैबलेट व 9 एटीएम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए गए। इनके बैंक खाते में 2,00,000 रुपए से अधिक मिले, जिसे जब्त कर लिया गया था। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर 24,178 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, जिसमें शिक्षकों के 17,486 व स्टाफ के 3800 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 98 से 92 पदों पर वेबसाइट www.upssb.org पर 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। तीनों श्रेणियों के लिए शैक्षिक योग्यता क्रमशः प्रस्नातक, स्नातक और इंटरमीडिएट रखी गई थी। नियुक्ति 2 चरणों में लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से करने की बात कही गई थी। वही मामला विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव ने करनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साइबर क्राइम थाने को भी जाँच के लिए लगाया गया, जिसमें सोमवार को प्रभारी निरीक्षक राजीव तिवारी ने अपनी टीम के साथ सचिन कुमार उर्फ ललित उर्फ कालू, निवासी नगला केवल थाना देहात कोतवाली जनपद टेटा, और साहिल श्रीवास्तव निवासी छतौना कला लमुआ थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार कर लिया। वही आईजी केपी सिंह ने बताया कि इसमें सचिन गैंग का सरगना उसने जो फर्जी वेबसाइट www.upssb.org बनाई थी, इसमें ई हटा दिया था। बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www.upsessb.org है, उससे मिलती जुलती वेबसाइट बनाई और बेरोजगार युवक युवतियों को शिकार बनाने में लग गए। वह सीआरडीओ की फर्जी वेबसाइट बनाकर पहले भी दोनों आरोपित 50,00,000 रुपए की अधिक ठगी कर चुके हैं। वही दोनों ने बताया कि जब उन्होंने सीआरडीओ की फर्जी वेबसाइट बनाई तो किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई थी, आराम से उन्होंने लाखों का खेल कर दिया था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि अपनी महिला मित्र के खाते से रुपए का पेमेंट करवाया जाता था। इसके अलावा अपने गैंग के अन्य सदस्यों के नाम भी पुलिस को बताया है, जिनकी तलाश की जा रही है। इसमें दिल्ली के और एटा के लोग माने प्रकाश पे आए हैं। हुआ ये कि इन लोगों ने एक बार एक वेबसाइट से वैकेंसी निकाल करके लोगों की परीक्षा भी कराई इलाहाबाद में और जगहों पर, और उसमें इन्होंने 50,00,000 लगभग ठगी की और उस परीक्षा का कुछ पता नहीं चला। लोगों ने परीक्षा दी और लोग सोचे लड़के लोग कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया, बड़े स्तर पर फ्रॉड करने के लिए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वेबसाइट को लिया और उसमें ई यूपी जो हमारा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वेबसाइट है वो है यूपी सर्विस एजुकेशन सेलेक्शन सर्विस बोर्ड, इसका फ़ायदा लेके ई निकाल दिया और upssb.org आर्ग होता है। लोग सोचते हैं कि ये सरकारी वेबसाइट है, लेकिन इन्होंने इस वेबसाइट के माध्यम से 24,178 पदों के लिए विज्ञापन निकाला और लोगों से ये कहा कि 500 रुपये जमा करिए, आपका फॉर्म भरिए डिजिटली और फिर आपकी परीक्षा होगी इतने पदों के लिए। लेकिन जैसे ही माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को ये पता चला, उन्होंने करनलगंज थाने में एक अभियोग पंजीकृत कराया और उन्होंने साइबर की मदद ली तो ये वेबसाइट बंद कर दी गई, जिससे 1,000 लोग पैसा दे पाए थे और ये रुक गया, 2,14,000 रुपये जमा हो पाए थे इनके पास। और फिर जब इसके तह में गए कि ये किसने बनाया तो पता करते रजिस्ट्रार जो वेबसाइट होते हैं उनसे पता किया गया, फिर किसने बनाया उसको पता किया गया, फिर इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि बनाने वाले कहीं प्रकाश में आए, उन्होंने दूसरे की सूचना, वो ये सोच रहे थे कि हम दूसरे का नंबर डालेंगे, दूसरे का फोटो डालेंगे, दूसरे की आईडी डालेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने बताया कि हमने नहीं बनाया। फिर ये हुआ कि आखिर इसने बनाया किसने, तो हम लोग तह तक जब गए तो सही मायने में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के लोग, दो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने दूसरे की सूचना पर देकर के एक सरकारी वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड करने का प्रयास किया था। और ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र नौकरी के लिए आवेदन करते हैं वो ये वेरीफाई कर लें कि पैसा जमा करने से पहले कि जहाँ वो पैसा दे रहे हैं वेबसाइट के माध्यम से वो सही वेबसाइट है कि नहीं, जनरली उसका फुल फॉर्म देख लें, उस वेबसाइट को जाके गूगल पे सर्च कर लें कि इसका क्या मतलब है, उस पर अगर उससे मिलती हुई कोई सरकारी वेबसाइट उसके कॉल नंबर से उससे वेरीफाई कर लें क्या वैकेंसी निकली है कि नहीं, क्योंकि इस तरह से नौकरी का झांसा दे करके लोगों को चीट करने का एक नया तरीका प्रकाश में आया है। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा अलर्ट होने की ज़रूरत है, अपना पैसा लगाने से पहले चीज़ों को वेरीफाई करने की ज़रूरत है।